हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सॉलिड स्टेट के बारे में। ये जो सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सॉलिड स्टेट और जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और ये इसलिए है कि नीट जेई के स्टूडेंट्स जो है वो इसे पढ़ सके, साथ ही साथ जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एडवांस लेवल का कुछ कुछ वीडियो लेक्चर जो है उसी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नीट जेई के लिए भी ये है, क्लास 12, क्लास 11 के लिए भी है, नेट जेआरएफ के लिए भी है, और साथ ही साथ जो सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। तो सारे टॉपिक्स जो है आपको उसमें मेंशन होगा वैसे टाइटल में कि ये एक्चुअली किनको पढ़ना है, बट ये आप डिसाइड भी कर सकते हैं। आपको थंबनेल देख के ही समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें से किस वीडियो को देखना है। तो बहुत सिंपल है, अभी मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो सॉलिड स्टेट का हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स, चाहे थर्मोडायनेमिक्स का, ये सारे के सारे जो वीडियोस ये लेक्चर्स होंगे, ये लेक्चर सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेई के स्टूडेंट्स, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स सभी के लिए यूजफुल है। क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए में भी अगर आप देखोगे तो 50% जो सिलेबस होता है वो 11, 12 और नेट जेई का बेसिक जो होता है वही वो पूरा किसमें आता है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में। तो अगर हम देखें नेट क्वालिफाई करने के लिए भी हमको बेसिक तो पढ़ना ही होता है, तो वो बेसिक पोर्शन आप यहां से लेंगे। नेट जेआरएफ के लिए अलग से और जो वीडियोस चाहिए वो भी मैं साथ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है सॉलिड स्टेट। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, नेट जेआरएफ के पर्पज से भी और नीट जेई के पर्पज से भी, और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो सॉलिड स्टेट में वैसे तो है बहुत सारी चीजें, और अगर आप देखें क्लास 12 के सिलेबस में से सॉलिड स्टेट में से कुछ पोर्शन हटाए भी गए हैं, जैसे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, बट मैं पूरा पोर्शन तो कवर नहीं कर सकता, बट वो सारे मेन कॉन्सेप्ट मैं जरूर बताऊंगा जिनसे एमसीक्यूज की बात जो करें, जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं उस टाइप के जो मेन टॉपिक्स है, जहां से जनरली जहां लोग फंस जाते हैं कि यहाँ के क्वेश्चन हम कैसे करें, वो सारे टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें अगर सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट में जो बात होती है वो होती है क्रिस्टल की, है ना। क्योंकि सॉलिड किसी भी एलिमेंट जिसका नेचर फिजिकल नेचर सॉलिड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकता है या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्रिस्टल क्या है, नॉन क्रिस्टल क्या है, इसकी बातें मैं ना करते हुए बताऊंगा कि क्रिस्टल जो होते हैं उनको वो एक्चुअली किन पार्ट्स में बने, किससे बने होते हैं। तो क्रिस्टल का कंपैरिजन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से भी कर सकते हैं, जिस तरह से बिल्डिंग का जो कहा जाए कि वो किससे बना है, तो बिल्डिंग किससे बना है, बहुत सारे कमरों से बना है, यूनिट से बना हुआ है। तो उनकी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एक रूम होगा। वैसे ही एक क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो कहलाता है यूनिट सेल, ठीक है। तो क्रिस्टल तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर हो गया, यूनिट सेल उसका की एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल में क्या चीजें होती है, तो यूनिट सेल में होती है लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। लैटिस पॉइंट जो है मिलकर वो क्या बनाता है, यूनिट सेल। तो जब आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ चुके हैं, नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्वेल्थ तो आपने पढ़ा है, ट्वेल्थ में सारी चीजें हैं, तो बेसिक चीजें हैं, ज्यादा उसमें फोकस नहीं करूंगा, बट उससे क्वेश्चन किस तरह से आता है उसमें मैं जरूर फोकस करूंगा। तो आते हैं बात लैटिस पॉइंट क्या होता है, आपको पता है कि लैटिस पॉइंट्स मतलब क्या होंगे, ऑल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस या फिर मेटल्स, ये एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया या फिर मेटल हो गया, ये सारी चीजें जो है ये लैटिस पॉइंट्स कहलाती हैं। जब ये अरेंज होती हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उसके बाद वो बनाती है यूनिट सेल, और वही यूनिट सेल जो रिपीटिंग यूनिट में बनाते हैं क्या, रिपीट होकर बनाते हैं क्रिस्टल। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं इनकी, तो एटम्स अगर लैटिस पॉइंट्स हैं तो वो अरेंज होंगे अपने एक अलग पॉइंट्स पे, तो वो एक यूनिट सेल जनरेट करेंगे। वैसे मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, अगर आयन ने किया तो आयनिक कंपाउंड होगा, मेटल्स ने किया तो मेटालिक कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल्स ने किया तो कोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है ना। तो इस तरीके से कंपाउंड जो है अलग अलग हो सकते हैं, ये क्रिस्टल जो है अलग अलग हो सकता है, मेटालिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, डिपेंड्स ऑन दिस लैटिस पॉइंट्स। अब लैटिस पॉइंट्स क्या है, तो ये जो चीजें हैं ये अरेंज होती हैं, तो किन जगहों पर अरेंज होंगी, तो सबसे पहली बात हमको एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो कोई बिल्डिंग की जैसे मैंने बात की वैसी जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसके एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज अ क्यूब,
ठीक है, हम क्यूब की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा क्यूब वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक कमरे से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। मैं इस रूम में हूं, आपको सिर्फ ये बोर्ड अभी दिख रहा है, बट आप जिस रूम में भी बैठे हैं, बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस रूम को चारों तरफ देखिए, वो एक यूनिट सेल है। अगर वो एक यूनिट सेल है तो अगर मैं उसको बनाता हूं इस तरीके से, ये देखिए, सपोज मैंने एक क्यूब बनाया, दिस इज अ क्यूब ना, इसको मैं कह रहा हूं यूनिट सेल। अगर ये यूनिट सेल है तो इसमें एटम्स अरेंज होंगे, या मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे, या आयंस अरेंज होंगे, या मेटल्स अरेंज होंगे। बट ये अरेंज होंगे कहां पर, तो अरेंज कहां कहां हो सकते हैं, ये अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं तो आप अपने कमरे के कॉर्नर को देख लीजिए, तो आपको अपने कमरे का कॉर्नर दिखाई देगा। ठीक है, ये जैसे कॉर्नर है, ये सभी जो पोजीशंस हैं, ये कौन सी पोजीशन है, कॉर्नर। तो आप काउंट करेंगे कॉर्नर कितने हमारे पास एक पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर है 8। आप अपने कमरे को भी देख लिए, 8 कोने आपको दिखाई देंगे, 8 कॉर्नर। ठीक है, उसी तरीके से इसमें होता है फेस। फेस आप जानते हैं क्या होता है, अगर हम कमरे की बात करें तो दीवार बोलेंगे, वॉल बोलेंगे, तो अगर हम यूनिट सेल की बात करेंगे फेस, तो जैसे ये दीवार है वैसे ये सामने वाली दीवार है, इस साइड वाली और इस साइड वाली दीवार है, 4 हो गया, और एक अप साइड और एक डाउन साइड, टोटल आपके पास 6 फेस आपको मिलेंगे। तो फेस हमारे पास होते हैं कितने, 6। उसी तरीके से हमारे पास एजेस, ये कहते हैं एजेस, है ना, ये जो एजेस है कितनी है, 4 इधर 4 इधर, 4 ऊपर 4 नीचे, अगर आप टोटल देखेंगे, नहीं 2 ऊपर 2 जो है यहाँ नीचे होंगे, तो अगर हम एजेस की बात करें तो एजेस होते हैं टोटल 12। आप देख सकते हैं अगर आप अपने कमरे में हैं तो पिलर जो मिलता है कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो मिलाता है दैट इज एज, और ये एज कितने हैं टोटल 12। वैसे एक टर्म आता है बॉडी सेंटर, तो ऑब्वियसली एक यूनिट से हमें एक ही बॉडी सेंटर होगा, ये बॉडी सेंटर का पोजिशन है जहां पर इनमें से कोई एक लैटिस पॉइंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी सेंटर तो होगा 1। अब रही बात ये कि ये तो बात हो गई कि यूनिट सेल इस तरीके का होगा जिसमें कॉर्नर्स हैं 8, फेसेस हैं 8, 6, एजेस हैं 12 और बॉडी सेंटर है 1। अब इसमें से ये एटम्स यहां प्रेजेंट होंगे, और जब वो वहां प्रेजेंट होंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का यूनिट सेल बनाएंगे, और वो यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, तो अगर मैं बताऊं आपको, आपको पता भी आपने पढ़ा होगा 12th में कि ये यूनिट सेल होते हैं कितने टाइप के, मेनली 4 टाइप्स की यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला एक होता है SCC, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, आप जानते हैं, फिर भी मैं इसके बारे में शॉर्ट में बता रहा हूं, जहां पे लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं, ऑल लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर, सभी लैटिस पॉइंट्स जो है सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं SCC सिंपल क्यूबिक सेल। क्लियर, इसी तरीके से होता है FCC। FCC क्या चीज होगी, तो FCC होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होगा, ऑल लैटिस पॉइंट्स आर एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, तो सभी लैटिस पॉइंट्स इसमें होंगे कॉर्नर प्लस फेस पे। ठीक है, इसी तरीके से होता है BCC विच इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, ऑल कॉर्नर, देखिए कॉर्नर पे तो जरूरी है, वो तो मेन लैटिस पॉइंट हो गया कॉर्नर, तो अगर कॉर्नर मेन लैटिस पॉइंट है तो सब में कॉर्नर पे जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस या फिर मेटल्स तो होंगे, तो कॉर्नर हो गया प्लस फेस की जगह यहां पर कहां होगा, बॉडी सेंटर। ठीक इसी तरह से होता है ECC। ये ECC क्या चीज है, ECC इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, तो उस केस में जब आप देखोगे तो जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो फेस पे ही होते हैं, बट अल्टरनेट फेस पे होते हैं। चलिए मैं सभी को समझाता हूं, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉर्नर प्लस अल्टरनेट फेस, यहां मैंने लिख तो दिया है। चलिए SCC आपको दिखाई दे रहा है, ये SCC है जिसमें सभी लैटिस पॉइंट, सपोज दिस इज अ लैटिस पॉइंट, सभी लैटिस पॉइंट जो है वो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे 8 लैटिस पॉइंट्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो कॉर्नर पे है दैट इज SCC, तो ये SCC ऐसा दिखता है। तो BCC कैसे दिखेगा, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, तो ये बॉडी का सेंटर है, यहां पर भी एक लैटिस पॉइंट, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल आयन, जो आयनिक कंपाउंड है तो आयंस होंगे, मेटेलिक कंपाउंड है तो मेटल्स होंगे, इस तरीके से। तो यहां पर ये हो गया क्या, बॉडी सेंटर या BCC। FCC क्या होगा, तो बॉडी सेंटर से जो है ये एटम्स वगैरह हट जाएंगे, वो कहां पर रहेंगे, फेस सेंटर्स पे। आप देखिए टोटल 6 फेसेस हैं, मैं 6 फेसेस पे ये बना दे रहा हूं,
सिक्स फेसेस पे लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हुए, तो दिस इज कॉल्ड एफसीसी। अब रही बात ईसीसी क्या है, तो कॉर्नर प्लस अल्टरनेट फेस। अल्टरनेट फेस क्या, अगर ये फेस है तो इसका अल्टरनेट तो वही होगा बाकी सब से जुड़े हुए। तो अल्टरनेट फेस मतलब क्या होगा, किसी दो फेस पे, अगर इस फेस पे है तो अगला इस फेस पे होगा, केवल दो ही होंगे। अगर इस पे है तो इन दोनों पे ना होगी, यहां पर होगा, ये एक ईसीसी है। वैसे अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये भी क्या है, ईसीसी है, ये भी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। तो इस तरह से चार को मैंने जो टाइप्स बताए हैं ये कहलाता है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मेनली फोर टाइप्स के होते हैं, और जब ये क्रिस्टल, जब यही रिपीट होकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्रिस्टल। ऐसे सेल्स बार बार रिपीट होते हैं और ये क्रिस्टल बनाते हैं, और जब ये रिपीट होते हैं तो वो स्पेस लैटिस कहलाता है, जिसको ब्रेविस स्पेस लैटिस बोलते हैं, उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी। ओके, अभी हम क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। जब यूनिट सेल की बात हो रही है तो इनके बाद इन लैटिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल में उस लैटिस पॉइंट के कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन क्या चीज है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक किसी एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे कोई मेटल या एटम प्रेजेंट है तो वो एग्जैक्टली उस एक यूनिट सेल में अपना कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे सभी लैटिस पॉइंट पे स्फेरिकल मान के चलिए, क्योंकि बुक्स भी उसको ऐसा ही मानकर चलते हैं कि ऑल एटम्स आर स्फेरिकल। तो अगर सभी एटम्स के मॉलिक्यूल स्फेरिकल होंगे, गोला की जैसे होंगे, एक बॉल की तरह होंगे, तो आप सोचिए वो बॉल अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा गया है तो उसका कितना हिस्सा एक पर्टिकुलर कमरे में या उस यूनिट सेल में आएगा। तो सब हम अलग अलग सबका जो है कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो चूंकि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास जैसे कि कॉर्नर है, अगर हम यहाँ बात करें लैटिस पॉइंट की, और यहाँ बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास कॉर्नर है, फेस है, एज है ना, और बॉडी सेंटर है। तो इसमें मुझे कंट्रीब्यूशन जो है सबसे इजी फेस पड़ेगा एक्सप्लेन करने, क्योंकि मैं फेस की बात कर रहा हूं। एक बॉल है, अगर मैं कहूं ये हमारा कमरा है, एक यूनिट सेल है, और इस कमरे में इस बॉल को अगर किसी एक पर्टिकुलर फेस पे ऑक्यूपाई कराया जाए, सपोज ये फेस है, ये पूरा का पूरा दीवार एक फेस है, इसमें उस बॉल को ऐसा रखा गया है, बीच में दीवार में चुनवा दिया गया समझ लो। अब वो बॉल को दीवार में अगर चुनवा दिए हैं तो आप मुझे बताइए उस बॉल का कितना हिस्सा इस कमरे में आएगा और कितना हिस्सा बाकी के कमरों में आएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल एक ही कमरा है, यूनिट सेल बहुत सारे हैं जो रिपीट होकर क्रिस्टल बनाते हैं। तो जब बहुत सारे कमरे हैं तो एग्जैक्टली वो कितने कमरों से सराउंडेड है और कितने कमरों या कितने यूनिट सेल में उसका अपना हिस्सा है, तो उस बॉल का हिस्सा क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये फेस है। जैसे एक दरवाजे की बात करें, दरवाजा दो तरफ खुलता है, इस तरफ और उस तरफ, क्या ऊपर की तरफ ये दरवाजा खुलेगा, नहीं। तो उसी तरीके से अगर फेस सेंटर पे एक लैटिस पॉइंट रखा हुआ है तो उसकी शेयरिंग केवल दो कमरों के साथ होगी। अगर इस दीवार पर रखी है तो इस कमरे पर और इसके बाद वाले कमरे पर, इधर वाले कमरे पे इस बॉल की कोई शेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये उससे घिरा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेस पर जो शेयरिंग है उसकी दो कमरों के साथ है, तो इस कमरे में उसका कितना हिस्सा होगा, 1/2। तो मैं कहूंगा कि फेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी लैटिस पॉइंट का, वो 1/2 होता है। आपको मैं जो डायग्राम शो कर रहा हूं, इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि सेंटर पे ये जो लैटिस पॉइंट रखा हुआ है, इसमें देखेंगे दो दो आपको यूनिट सेल से घिरा हुआ ये दिख रहा है, तो उसका आधा हिस्सा एक यूनिट सेल में और आधा हिस्सा दूसरे यूनिट सेल में। तो इस तरह से इसका जो कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन जो है पर्टिकुलर किसी भी लैटिस पॉइंट का, जो किस पर है, फेस सेंटर पर है, उसका हाफ कंट्रीब्यूशन कहां होगा, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल पर होगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं एज की। एज क्या होता है, आपको पता है एज क्या है। तो एक एज से कितने कमरे, जैसा सपोज दिस इज एज, ये एज है, तो इस ये एक कमरे का एज है, इस तरीके से ये एक कमरा है, एक यूनिट सेल है, इसका ये एज है, इस एज से ये और कितने यूनिट सेल के साथ घिरा हुआ हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये दूसरे एक इससे घिरा होगा क्योंकि वही एज है, कॉमन एज है, और एक तीसरा यहाँ होगा और एक चौथा यहाँ होगा। तो ऐसे चार यूनिट सेल है जिनका एक एज जो है वो कॉमन एज है। तो अगर वो कॉमन है, इस एज के सेंटर पे मैं कोई भी चीज रखूंगा,
तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हर यूनिट सेल उसको इक्वली शेयर करेगा, और जब इक्वली शेयर करेगा तो क्या होगा, अगर वो फोर यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है तो एक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा। तो एज के लिए क्या होगा, 1/4। आप इस दिए गए डायग्राम में देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 1/4 जो आपको मतलब चार यूनिट्स ऐसे, ये जो बीच में जो आपको एक एज पे जो आपको लेटेस्ट पॉइंट दिख रहा है, जो मैं जो भी एटम है वो दिख रहा है, वो फोर यूनिट सेल से सराउंडेड है। तो यहाँ पर जो उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है पर्टिकुलर एक सेल के लिए वो क्या होगा, 1/4, क्योंकि चार से घिरा हुआ है। अब आगे देखेंगे कॉर्नर का। तो इसी तरह से कॉर्नर की बात करें तो हमारे पास है तो आठ कॉर्नर, एजेस तो 12 थे, फेस तो 6 थे, लेकिन हमारे पास जो कॉर्नर है वो कितने हैं, 8 है, 8 कॉर्नर है। और हर कॉर्नर में जो लैटिस पॉइंट या एक बॉल अगर रखा जाए तो वो कितने कमरों से सराउंडेड होगा। सपोज ये कॉर्नर है, ये वाला, ये इस कमरे का कॉर्नर है, तो वैसे ही इसी प्लेन पे ये रूम हो गया, ये रूम 2, 3 और ये 4, 4 रूम हो गए जो एक कॉर्नर के साथ अटैच्ड हैं। वैसे इसके ऊपर भी 4 रूम होंगे जो इसी कॉर्नर के, जो एक कॉर्नर जो है उनका कॉमन होगा। तो मैं कह सकता हूँ एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के साथ सराउंडेड है, 8 यूनिट सेल में वो शेयर कर रहा है अपना हिस्सा, तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8। आप इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि वो जो लैटिस पॉइंट आपको दिख रहा है वो 8 यूनिट सेल से सराउंडेड है, तो उसका 1/8 हिस्सा ही पर यूनिट सेल में जाएगा। तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। अब बात करूं बॉडी सेंटर की, तो ये समझाने की क्या जरूरत है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है भाई, और इस यूनिट सेल के अंदर अंदर में अगर कोई चीज है, इस कमरे के अंदर कुछ है, मैं इस कमरे के अंदर हूं तो मेरा शेयर दूसरे कमरों में कैसे जाएगा, ऑब्वियसली। तो एक बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 1। अब इन कंट्रीब्यूशन का करना क्या है, इन कंट्रीब्यूशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो इन कंट्रीब्यूशन से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल या पर्टिकुलर यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन से हमको पता चलता है कि किसी भी नोन क्रिस्टल या फिर यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे NaCl है तो टोटल कितने सोडियम और कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, सीजियम फ्लोराइड है तो एक यूनिट सेल में कितने सीजियम और कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, ये सारी चीजें जो है यही कंट्रीब्यूशन से ही पता चलती है। इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं तो हमको करना, ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन, अब हमको निकालना क्या होता है। जैसे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसी भी का, तो नंबर ऑफ एटम क्वेश्चन ना बोल के अच्छा होगा कि इसको मैं टॉपिक ही बता देता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देता हूं नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाई, जितने भी लैटिस पॉइंट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको हमको मल्टीप्लाई किस करना है, किससे, कंट्रीब्यूशन से। तो चलिए हम सबसे पहले जो सबसे सिंपल है वो निकाल लेते हैं, SCC का निकालते हैं। आपको पता है कि SCC पे ऑल लैटिस पॉइंट जो है कहां पर होते हैं, लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर। जब सभी लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे हैं तो मुझे बताएंगे इसके लिए मैं जेड, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को डिनोट करते हैं किससे, है जेड से। तो मुझे ये बताइए कि जेड के लिए, सॉरी SCC के लिए जेड क्या होगा, तो SCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है जेड, तो क्या होंगे, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था SCC क्या है, तो ऑल लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जो लैटिस पॉइंट है वही है, तो कॉर्नर कितने हमारे पास, 8 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, हमारे पास कॉर्नर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8, क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे है सभी के सभी, लिखा है ना कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर है हमारे पास, 8, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8। तो ओवरऑल उस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने होंगे 1, तो दिस इज द जेड, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर SCC क्रिस्टल्स, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं FCC क्रिस्टल्स की, तो FCC में लैटिस पॉइंट कहां होता है, कॉर्नर प्लस फेस पे। अब बताइए कॉर्नर पे है तो सेम होगा 8 × 1/8, ठीक है, लेकिन फेस पर भी है तो फेस आपके पास कितने होते हैं, 6, आपके पास मतलब यूनिट सेल में कितने फेस हैं, तो यूनिट सेल में तो 6 फेस होते हैं, 6 फेस है, हम कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, 1/2, दोनों को टोटल कर दीजिए, दिस इज 1 + 3 = 4।
एफसीसी में आप देख सकते हैं जेड जो होगी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितना होगा, फोर। ठीक है, इसी तरीके से मैं निकालना चाहता हूँ बीसीसी के लिए। तो बीसीसी में बताइए कितने हैं ग्रेटेस्ट पॉइंट। तो बीसीसी में होता है कहाँ कहाँ पर, एक तो होता है कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर प्लस, है ना। कॉर्नर का क्या होता है, अगेन 1/8 × 8 जो हम अभी तक करते हैं, प्लस बॉडी सेंटर में एक ही है और उनका कंट्रीब्यूशन भी एक ही है, तो ये टोटल कितना होगा, 1 + 1 दिस विल बी इक्वल टू 2। उसी तरह से ईसीसी में अगर आप निकालेंगे तो ईसीसी में कहां पर है, कॉर्नर प्लस अल्टरनेट फेस पे है ना। तो कॉर्नर के लिए क्या होगा, अगेन 8 × 1/8 है ना, प्लस अल्टरनेट फेस, मैंने बताया था अल्टरनेट फेस मतलब दो ही फेस पर है वो, और बाकी फेसेस पे लैटिस पॉइंट है ही नहीं, तो दो ही फेस पर अगर लैटिस पॉइंट है तो दिस विल बी 2 × 1/2, क्योंकि 1/2 तो कंट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट तो 2 ही है, 6 फेस पे तो आई नहीं, 6 फेस पे तो एफसीसी का था, तो हो गया 1 + 1 दिस विल बी इक्वल टू 2। तो ईसीसी के लिए भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होता है और बीसीसी के लिए भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है। जैसे कि सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो बीसीसी है, तो अगर पूछा जाए कि सीजियम क्लोराइड में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो दो ही होंगे, एक सीजियम होगा और एक क्लोरीन होगा। बट एनएसीएल का स्ट्रक्चर ऐसा बीसीसी नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि एक क्लोरीन और एक सोडियम होगा, है ना, उसमें डिफरेंट है। तो ये जो है इस तरीके से इस कंट्रीब्यूशन की हेल्प लेके हम इस तरीके की चीजें जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं इसी के साथ इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की मदद लेके और किस तरह के न्यूमेरिकल्स नीट जेई एग्जाम में या नीट जेआरएफ एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कंट्रीब्यूशन के बेस पे। अब एक क्वेश्चन आता है जैसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इफ एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल कॉर्नर्स ऑल फेस सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर। अब वो बोलना है कि नंबर ऑफ एटम आपको बताना है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में जिसमें लैटिस पॉइंट जो है कॉर्नर पर भी है, फेस सेंटर पर भी और बॉडी सेंटर पर भी है। तो जो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉर्नर की प्लस फेस सेंटर की प्लस बॉडी सेंटर की। तो कॉर्नर के लिए होता है 8 × 1/8 ऑल बोला है, प्लस फेस के लिए होता है 1/2 × 6 प्लस बॉडी के लिए होता है 1/1, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 1 This will be equal to 5. The total number of atoms in that particular unit cell is 5. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर। इस सिंपल को थोड़ा सा टफ करते हैं, क्वेश्चन जैसे आते हैं वही मैं बता रहा हूँ और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अगर एटम्स के बाद हम बात करें एक empirical formula से related एक क्वेश्चन आता है इसी टाइप में। तो एक क्वेश्चन जैसे दिया है कि find empirical formula, चलिए कॉमन क्वेश्चन कर देता हूं मैं क्योंकि इसी में हम रेडी करते रहेंगे डाटा को। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ, यहां तक मैंने छोड़ दिया, एक्स एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड वाई एटम प्रेजेंट एट एज सेंटर। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहे इस क्वेश्चन में, तो x कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, और y प्रेजेंट कहां पर है, एज सेंटर पे, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होने के लिए हमको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एटम जो है वो एग्जैक्टली कितना है उस फॉर्मूले के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl, एक सोडियम होता है एक क्लोरीन होता है ना। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O। ये तो सिंपल है, सिंपलेस्ट मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसमें, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो C6H12O6 में मिनिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, डिवाइड बाय 6 तो बनता है CH2। वैसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला यहां पूछ रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि x कितने हैं और y कितने हैं इन दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल एंड
उस क्रिस्टल में के पर यूनिट सेल में ही कितने हैं। तो मुझे x फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। x कहां पर है? कॉर्नर पे। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। फॉर्मूला यही है भाई, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो ये कितना आ गया? 1। x 1 है। y काउंट करते हैं तो y नंबर ऑफ एज सेंटर, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, एजेस कितने होते हैं पर्टिकुलर सेल में? 12। मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन होता है 4। दिस विल बी 3। मतलब उस पर्टिकुलर एटम में x इज टू y का जो रेशियो है वो 1:3 का है। तो आप सोच ही सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा। दिस विल बी x 1y3, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, xy3। दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो इस तरीके से ही हमको क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन में चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, है ना। अब जब मैं चेंज कर रहा हूं तो अब मैं कह रहा हूं कि x कॉर्नर्स पे है और y जो है वो बॉडी सेंटर पे है और z जो है वो एट फेस सेंटर पे है। चलिए ये मैंने बना दिया। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? तो अगेन सॉल्यूशन करते हैं। x कहां पर है? कॉर्नर पे। 8 × 1/8। बार बार करने जरूरत नहीं, कॉर्नर पे जब भी है वन आना है, फेस पे आया 3 आना है, एज पे आया 3 आना है, ये समझ लीजिए भाई, बॉडी सेंटर पे आप बनाना है। लेकिन ये समझा रहा हूं मैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, अदरवाइज जब आप खुद कर रहे होंगे तो आपको बार बार ये करने के लिए। कॉर्नर बोला तो 1 समझ लो सीधे, बॉडी सेंटर बोला तो 1, एक फेस सेंटर बोला तो 3, 1 1 3, एक्स वाई जेड 3, सिंपल है। तो ये हो गया 1, वाई का बॉडी सेंटर है 1 × 1, दिस विल बी 1, जेड का क्या है 1/2 × 6 होगा एंड दिस विल बी 3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड? दिस इज 1:1:3। इसको हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड 3, एक्स वन वाई वन जेड 3, विच कैन बी रिटन एज एक्स वाई जेड 3। तो ये हो गया क्या, ये हो गया अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से हम करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन कुछ क्वेश्चन आते हैं देखेंगे इसी में से। अब इसी ये आपको समझ में आ गया, मैं मिटा दे रहा हूं, देख लीजिए ये मैं हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी क्वेश्चन को दे दिया ऐसे ही कि फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ एक्स एट कॉर्नर, वाई एट बॉडी सेंटर, जेड एट फेस सेंटर। बट क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट है, एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर सकता है। कैसे? इफ टू लैटिस पॉइंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉर्नर, अब ये फॉर्मूला क्या होगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉर्नर पे तो वन ही आना है, y के 1 आना है, z 3 आना था, तो ये फॉर्मूला बन चुका था एक्चुअली x y z 3। बट यहां क्या आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दो लैटिस पॉइंट को रिमूव कर दिया गया है कहां से, कॉर्नर से। अब कॉर्नर से अगर आप रिमूव कर दोगे तो यही फॉर्मूला सेम क्वेश्चन था, इसमें नया क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा? तो व्हेन लैटिस पॉइंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉर्नर, तो कॉर्नर कितने हैं? सबसे पहले कॉर्नर देखिए, ये तो बॉडी सेंटर पे है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड में नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एक्स में। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम तीनों की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई और जेड की, वाई ऑलरेडी 1 है, जेड ऑलरेडी 3 है, चेंज एक्स में हुआ है। ओके, इसमें बताइए कंट्रीब्यूशन तो होता है 1/8, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है 8 होते हैं कॉर्नर के, बट दो लैटिस पॉइंट रिमूव हो चुके हैं कॉर्नर से, तो कॉर्नर में अब कितना होगा? 8 − 2। ये −2 क्यों हुआ? क्योंकि 8 कॉर्नर में से 2 कॉर्नर से लैटिस पॉइंट को रिमूव कर दिया गया है, और जब आप रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एट दैट कॉर्नर कम हो गया है, तो ये हो जाएगा 1/8 × 8 − 2 कितना होगा? 6। तो ये आपको क्या देगा? 3/4। अब देख लीजिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, व्हाट इज द रेशियो x:y:z। एक्स कितना है? 3/4। y कितना है? 1। और z कितना है? 3। और आपको पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज बी अ होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, और ये फ्रैक्शन आ गया है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होल नंबर बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा 3:4:12। तो मैं इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लिखूंगा, x3y4z12। ये जो होगा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा किसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से कंट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट से जो क्वेश्चन आते हैं, जो
एकदम बेसिक लेवल से लेके थोड़ा सा टफ लेवल तक मैं लेकर गया हूँ। इससे और आगे भी आता है, अगर आप एक्सेस वगैरह की बात करें तो एक्सेस ग्रुप थ्योरी पढ़ाने के बाद उस पोर्शन में मैं ये वहां जाके ले जाऊंगा। तो फिलहाल हम एक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हमको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जिस तरह से लैटिस पॉइंट का हमने क्या निकाला अभी, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किया, जेड फाइंड किया, उसी तरीके से लैटिस पॉइंट की और भी यूनिट सेल की और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन डी ए एंड आर हो गया, व्हाट इज द डी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ए क्या है एज लेंथ एंड आर क्या है रेडियस ऑफ दैट एटम। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हो गया, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन डी ए एंड आर, इनको मैं थोड़ा सा अलग लिख के समझाता हूँ। सबसे पहले आर क्या है, आर के बारे में आप जानते हैं सुने हैं, आर इज द रेडियस, जो भी गोला या हम बात कर रहे हैं ना स्फेरिकल फॉर्म में है एटम या मॉलिक्यूल, कैसे है स्फेरिकल है, अगर वो स्फेरिकल है, आयन भी स्फेरिकल है, तो उसका क्या होगा रेडियस होगा पर्टिकुलर, तो ये हो गया आर, इसको हम बोल रहे हैं आर। दूसरा हम बात कर रहे हैं क्या डी की, तो डी क्या है, डी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब क्या होगा कि लैटिस पॉइंट अगर या एटम्स कहीं पर अरेंज हैं स्फीयर के फॉर्म में, तो वो जब अरेंज हो गए तो दो कंटिन्यूअस लैटिस पॉइंट के, दो कंटिन्यूअस एटम के न्यूक्लियस के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस है ना। तो एक्चुअली ये हमेशा मिनिमम ही आपको देखनी है, ना कि मैक्सिमम या और कोई डिस्टेंस। तो जैसे कि एक लैटिस पॉइंट और ये दूसरा लैटिस पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों के बीच की जो ये भी आर है वैसे और ये भी आर है, और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं डी या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहूंगा। हो सकता है कि वो इतना हो या हो सकता है कि वो कुछ और भी हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि वो दोनों कितना एक दूसरे से अटैच है। लेकिन सॉलिड स्टेट में जो हम पढ़ रहे हैं एससीसी बीसीसी एफसीसी, इन सब में एक अच्छी बात तो ये है कि हर बार जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम जब फाइंड करेंगे तो दोनों स्फीयर होंगे, जितने भी हम अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर आगे पढ़ने हैं उनके जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं हमेशा उनके सरफेस एक दूसरे से ऐसे टच होते हैं। तो अगर दोनों गोले के सरफेस आपस में टच होंगे तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस का डबल होगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू इट्स डायमीटर। बट हम ये डी यहाँ पर डायमीटर नहीं है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और ये डी जो है वो इक्वल होता है टू आर के, ये तो हर बार होगा, वही रिलेशन हमको देखना है डी ए और आर में अलग अलग यूनिट सेल के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं ए, यही अलग होगा सबका। ए क्या होता है, ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो एक मैं पर्टिकुलर जब यूनिट सेल बनाता हूं तो वो क्यूबिक भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, तो ये जो एज है, ये जो लेंथ है, दैट इज द एज लेंथ ए, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ये भी ए है क्योंकि ये क्यूब है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, सभी एज लेंथ यहाँ पर ए होंगी क्योंकि हम इनको क्यूब की तरह अज्यूम कर रहे हैं। और क्यूब के और जो सभी एजेस होती हैं वो एक जैसे, जैसे स्क्वायर की सभी एजेस होती हैं वो सेम होती है, वैसे इनकी भी होती है ना, भुजाएं बोलते हैं। तो एज लेंथ जो होगी इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, ए से। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस डी, डी और आर में रिलेशन तो पता चली गया कि डी इज एक्जैक्टली इक्वल टू टू आर ऑलवेज, तो डी और ए या आर और ए में क्या रिलेशन होगा एस सी सी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस सी सी के लिए जो चीज है हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एस सी सी, तो एस सी सी होता क्या है आपको पता है, ऑल लैटिस पॉइंट्स आर एट कॉर्नर, बार बार देख रहा हूं ये आप जानते हैं, कॉर्नर पर सभी लैटिस पॉइंट्स हैं। लैटिस पॉइंट मतलब क्या है यार, वो स्फीयर ही हैं जो आपस में अरेंज्ड हैं, और स्फीयर जब अरेंज हुए तो दोनों के जो सेंटर है वो कॉर्नर पे जाके एडजस्ट हो गए, तो वो क्या बन गया, एक तरीके से हम कहते हैं कि वो बन गया एस सी सी। तो चलिए मैं एस सी सी ही बना लेता हूँ। ये जो लिखा जाता है ना, लिखने का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा जाता है ऐसा, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, मैं क्यूब बना रहा हूं एक्चुअली, थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश। ओके, ये बन गया क्यूब, ये हो गया लैटिस पॉइंट, ये हो गया लैटिस पॉइंट, ये सभी कॉर्नर है।
कॉर्नर को आप ऐसे ना समझे जैसे कमरे का कॉर्नर होता है, तो आप ऐसा सोचिए कि इस कमरे में जो दो कॉर्नर्स, आठ कॉर्नर्स हैं, तो दो को आप एज्यूम कीजिए अपने कमरे के, और उन दो कॉर्नर्स में ऐसे दो बड़े बड़े जो है वहां पर स्फीयर रखे हुए हैं जिनके सरफेस जो है वो टच होते हैं। तो जब सरफेस टच होंगे तो सोचिए ये एक स्फीयर है, ये पूरा छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको देखिए, ये इस कॉर्नर का ये स्फीयर है, वैसे ही स्फीयर यहां भी होगा, और ये 3D में आप जब सोचेंगे, 2D में आप देख रहे हैं तो मैंने एक स्फीयर बना दिया, और एक स्फीयर यहां है, और इन दोनों स्फीयर का सरफेस जो है आपस में क्या होता है, टच होता है, और ये दोनों स्फीयर कॉर्नर्स पे हैं, वैसे ही सभी स्फीयर इन कॉर्नर्स पे हैं, और सभी के सरफेस एक दूसरे से टच हैं। आप चाहें तो गूगल कर लीजिए, 3D में आपको इनका स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, तो 3D में बहुत ज्यादा समझ में आता है, बट इसमें कोई नहीं, हमको सिर्फ डी ए और आर की बात करनी है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जब दो ये लैटिस पॉइंट्स हैं, यहां पर भी ऐसे ही बड़े ये इस तरीके से लैटिस पॉइंट्स हैं, यहां पर भी ऐसे लैटिस पॉइंट्स हैं, यहां पर भी लैटिस पॉइंट्स हैं, तो सभी लैटिस पॉइंट्स का ये क्या है, सेंटर है, जिसको हम कॉर्नर बोल दे रहे थे, है ना, कॉर्नर है। तो ये कॉर्नर पे जो अगर सेंटर है, तो आप ये देखिए इस वाले का रेडियस जो है ये आर है, और इस वाले स्फीयर का रेडियस ये आर है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। तो मैंने जो बताया था, तो SCC के केस में भी डी इक्वल टू क्या हुआ, 2R, सभी केसेस में वैसे डी इक्वल टू 2R ही होगा। अब मुझे रिलेशन जानना है एज लेंथ, तो ये हमारा एज लेंथ है, ये भी हमारा एज लेंथ है, तो क्लियरली आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा, आप जूम करके भी देख लीजिए कि ये दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, एज लेंथ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस क्यूब की एज है, ये भी क्यूब की एज है, ये भी क्यूब की एज है, तो हर क्यूब का जो एज होगा वो तो ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मैं इस ए की बात कर रहा हूं, तो ये ए जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, आप देखेंगे तो ए जो है वो 2R के बराबर है, और ये डी और ए जो है इस केस में वो इक्वल है। तो ये रिलेशन आपको पता चल गया किसके लिए, SCC के लिए। ठीक ऐसा ही रिलेशन हमको फाइंड करना है, क्लियर है, ये डी और ए दोनों सेम है SCC में, और इनका जो आर है उसका ट्वाइस जो है वो डी या फिर ए होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं SCC के बाद, तो ये मैंने SCC का लिख दिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद बात आती है, चलिए FCC की। FCC में जो होते हैं लैटिस पॉइंट वो होते हैं कॉर्नर पे प्लस फेस पे। तो आप सोचिए आप ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसमें स्फीयर जो है कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, उनके सरफेस आपस में टच होंगे कि नहीं होंगे, कब होते थे, जब वो SCC थे तब वो टच हो रहा था, बट जब FCC आ गया तो कॉर्नर में लैटिस पॉइंट है वो स्फीयर होने के साथ साथ फेस पे भी एक स्फीयर है, और फेस पे एक स्फीयर होने की, क्योंकि स्फीयर है गोला है, तो स्फीयर और स्फीयर आपस में टच नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीच में एक स्फीयर आ चुका है। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं, मैं यहाँ पर एक पूरे पूरे यूनिट सेल का केवल एक फेस जो है वो शो कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, या मैं यहां बना देता हूं, चलिए ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा यूनिट सेल आप देख चुके हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का सामने वाला फेस है, फ्रंट फेस। अब फेस पे क्या है, लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है, और कॉर्नर पे भी लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो ये फेस पे भी है कॉर्नर, तो जब फेस पे कोई लैटिस पॉइंट होगा, सपोज उसका साइज ये है, ये फेस का सेंटर हो गया, तो इस कॉर्नर में जो लैटिस पॉइंट होगा, और इस कॉर्नर में भी लैटिस पॉइंट होगा, इस कॉर्नर में भी लैटिस पॉइंट होगा, इस कॉर्नर में भी लैटिस पॉइंट होगा, ये केवल एक फेस की बात हो गई, तो हर फेस में यही होगा क्यूब के, तो ये मैंने केवल क्यूब का एक फेस को लिया है, सपोज मैं एक क्यूब बना ही देता हूं, चलिए ना, ये देखिए ये क्यूब है, और इस क्यूब का कोई भी एक फेस हम उठा लेते हैं, चलिए हमने ये वाला फ्रंट फेस ये लिया हुआ है, तो जो लैटिस पॉइंट्स जो है वो कहां पर है, यही है, एक तो कॉर्नर्स पर है और कहां पर है, फेस सेंटर पर। तो अब देखिए क्या इनका जो अरेंजमेंट है ये वैसा ही है जैसे SCC में था, नहीं, क्योंकि SCC में कॉर्नर्स पे थे तो उनके फेस के जो सरफेस है वो टच हो रहे थे, यहां पर इनके सरफेस जो है वो टच नहीं हो रहे क्योंकि बीच में ये फेस सेंटर आ गया। तो अब क्या होगा, तो हम हमेशा बात करते हैं सबसे पहले डी क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, वैसे इसका अपना एक आर होगा,
ये आर है, ये भी आर है ना, ये भी आर है और ये भी आर है, हम सभी आर की बात कर रहे हैं, ये भी आर है, तो ये सभी इनकी त्रिज्या है या रेडियस है। तो डी जो है, डी क्या है, इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर, क्लोजेस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लोजेस्ट कौन सा होगा, क्या ये दोनों स्फीयर क्लोजेस्ट है, ये दोनों स्फीयर क्लोजेस्ट है, ऑब्वियसली ये क्लोजेस्ट है, तो जब ये क्लोजेस्ट है तो ये और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कहूंगा डी, ये जो डिस्टेंस है वो डी होगा। तो अगेन यहां पर डी इक्वल टू क्या है, टू आर, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, डी इक्वल टू टू आर तो है। अब मुझे बात करनी ए की, ये है एज लेंथ, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है ए, तो क्या ए अभी टू आर के इक्वल है, नहीं, टू आर तो है ही और साथ में थोड़ा सा और डिस्टेंस इनके बीच में है, तो वो कितना डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमको फाइंड करना है इस एज लेंथ के बारे में, ठीक है। तो जब मुझे वो एज लेंथ फाइंड करनी है, अच्छा ये भी है ए, ये भी ए है और ये भी ए है, सभी एज लेंथ, अब मुझे एज लेंथ फाइंड करना है, ए का रिलेशन आर और डी के साथ क्या होगा, तो जब आर और डी के साथ आप ये एज लेंथ फाइंड करने को जा रहे हैं तब आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल को एज्यूम करना है, ये देखिए ये जो मैंने ब्लैक कलर से ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल को आप एज्यूम कीजिए, सपोज इसको मैं पॉइंट दे रहा हूं ए बी और ये सी, तो एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ये आर है, ये आर है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस डी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बी ऑब्वियसली क्या होगी, डी होगी, और ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, क्या ये अगर ट्राइंगल है तो क्या इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, यस, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ए सी इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी, आपको पता है कैसे होता है, तो इसका स्क्वायर बाय दिस एंड बाय दिस, अब मुझे ए सी का स्क्वायर तो नहीं पता चली, ठीक है क्या है, ए बी क्या था, ए बी इज द एज लेंथ ए, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए सी क्या हो जाएगा, दिस इज टू ए स्क्वायर और ए सी की वैल्यू आ जाएगी रूट टू ए का स्क्वायर और ए सी हो जाएगा रूट टू ए, ए सी क्या था, ए सी इज दिस, ए सी ये पूरा का पूरा है और ए सी जो है वो ट्वाइस ऑफ डी है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ आर, है ना, तो जो ए सी को हम यहां पर कहेंगे, अगर हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं फलक विकर्ण या हम इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल की वैल्यू जो है वो हो गई रूट टू ए, है ना, फेस डायगोनल इज ए सी, दिस इज ए सी एंड इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है रूट टू ए, तो रूट टू ए इक्वल टू टू डी इक्वल टू फोर आर, देन वॉट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड आर, तो चलिए रूट टू को आप यहां से हटा दीजिए क्योंकि मेरे पास अभी है रूट टू ए इक्वल टू टू डी इक्वल टू फोर आर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू होगा टू बाई रूट टू डी एंड फोर आर बाई रूट टू, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट टू डी एंड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई टू रूट टू आर, तो ये जो रिलेशन होगा वो किसके लिए होगा, फेस सेंटर के लिए, ठीक इसी तरह से जब आप निकालेंगे किसके लिए बीसीसी के लिए, तो बीसीसी में भी ऐसा ही निकलेगा और उसमें जो है बॉडी डायगोनल की बात होगी और बॉडी डायगोनल जो आएगा वो कितना आता है रूट थ्री, तो अब हम बात करें इसके शॉर्टकट ट्रिक से जिससे ये जो डिस्टेंस का रिलेशन है वो हमको याद रहे, है ना, तो हमको किसकी बात चाहिए, हमको डी ए और आर में रिलेशन चाहिए, तो ये हमको चाहिए किसके लिए, एससीसी के लिए, एफसीसी के लिए और बीसीसी के लिए, तो देखते हैं एससीसी में आपको पता है कि डी सबसे पहले ना शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि समय लिख लो डी इक्वल टू ए इक्वल टू आर, डी इक्वल टू ए इक्वल टू आर, बेहतर है कि ए इक्वल टू आर लिखने के लिए टू आर लिख लो, क्योंकि आपको पता है हर बार डी और टू आर वो सेम होते हैं, डी इज इक्वल टू टू आर सभी केसेस में होते हैं, तो ये हमको कॉमनली लिख लिया, चेंज केवल किसमें होने वाला है ए में, तो ए में हम क्या नया चीज डालेंगे, तो एससीसी में कोई चेंज नहीं है क्योंकि यही है डी इक्वल टू ए इक्वल टू टू आर रिलेशन फॉर एससीसी, एफसीसी के केस में आपको पता था क्या कि ए जो ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है टू रूट टू आर, तो यहाँ टू आर ऑलरेडी है तो यहाँ नीचे में क्या आएगा रूट टू, तो ये याद रखने के लिए कि हमको एससीसी में हमने पूछ नहीं किया चेंज डी इक्वल टू ए इक्वल टू टू आर, यहाँ भी वही लिखा बट यहाँ ए के नीचे हमने लिख दिया रूट टू, ये याद रहेगा, एफसीसी में आपको क्या करना है, आपको पता है रूट थ्री ए बाई फोर होता है आर की वैल्यू, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगी रूट थ्री ए बाई टू,
तो उससे क्या होगा, टू जब यहाँ होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा रूट थ्री ए बाई फोर। तो ये इस तरीके से आपने इसमें नया चीज रूट थ्री ए बाई टू किया, इसमें आपने नया चीज क्या किया ए बाई रूट टू किया, और इसमें आपने कुछ नहीं किया। तो ये जो रिलेशन है वो बन गया किसके लिए, इनका रिलेशन डी इंटरनिकुलर डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस ए एज लेंथ और आर रेडियस का। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, तो ये रिलेशन याद रखिए और इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज एसईसी के लिए क्वेश्चन किया कि एन एटम ऑक्यूपाइज, एन एटम अकर्स इन एसईसी फॉर्म, ऐसा बोल दिए कुछ भी, और उसमें उसने उसका रेडियस दे दिया तो एज लेंथ पूछ देगा, एज लेंथ दे दिया डिस्टेंस पूछेगा या रेडियस पूछ देगा। अगर बोलता है एन एटम हैविंग रेडियस 100 पिकोमीटर ऑक्यूपाइज इन एसईसी यूनिट सेल, देन व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ दैट यूनिट सेल। तो एज लेंथ क्या होगा आपको पता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है 2R, तो 2 इनटू आर की वैल्यू इज 100, दिस विल बी इक्वल टू 200। सेम क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि एन एटम हैविंग रेडियस 100 पिकोमीटर एंड ऑक्यूपाइज इन एफसीसी यूनिट सेल, तो जब वो एफसीसी यूनिट सेल में होगा देन व्हाट विल बी द एज लेंथ, तो एज लेंथ क्या होगा, तो एज लेंथ इक्वल टू हो जाएगा रूट टू, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट टू आर विच इज इक्वल टू 2, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 मल्टीप्लाइड बाय आर इज 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा 2.828 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 282.8 पिकोमीटर, ये इसका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन अगर इसके लिए दे दीजिए कि द रेडियस ऑफ एन एटम इज 100 पिकोमीटर एंड इट ऑक्यूपाइज इन डीसीसी यूनिट से, देन व्हाट विल बी द एज लेंथ, तो एज लेंथ क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा ए इक्वल्स टू 4R बाय रूट 3, देन इट विल बी 4 इनटू 100 बाय रूट 3, ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ भी देखिए आपके पास डाटा कितना है 9 है, अलग अलग है डी ए और आर के, यहाँ तीन डाटा, यहाँ तीन और यहाँ तीन, 9 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि एसईसी का अलग हो सकता है, एसईसी का अलग बीसी, जैसे सोडियम एटम, सोडियम एटम का रेडियस दे दिया, सोडियम एटम बीसीसी में ऑक्यूपाई होता है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल बी द एज लेंथ ऑफ सोडियम एटम यूनिट सेल इफ द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज दिस, तो ऐसे डी पूछ सकता है कुछ भी। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आने वाले हैं, तो ये आपको समझना है, तो ऐसे आपको शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट का ये फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ यूनिट सेल के दो ही हिस्से हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट सेल होता क्या है, यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे काउंट करते हैं, और यूनिट सेल में ये रिलेशन कैसे काउंट करते हैं, और उनसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, यूनिट सेल के पैकिंग फ्रैक्शन और यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ में क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है और क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं और उनका क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये याद कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, आपको वीडियो अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक तो करें, और जरूर ये पूछें अगर कोई भी आपको इसमें से डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।